नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसी न्यूज़ और नजर डालते हैं आज के कोरोना अपडेट पर। कोरोना स्थिति बीते सप्ताह से बेहतर है। जहां केसेस आए दिन 2 लाख के पार आ रहे थे, उस पर थोड़ा काबू किया गया है, लेकिन कोशिश अभी भी जारी रखनी होगी। वो भी संक्रमित के आंकड़ों में सुधार आ पाया है पाबंदियों के कारण, वरना इसे संभाल पाना मुश्किल हो जाता। वहीं अगर बात आज दिन भर के आंकड़ों की करें तो बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 1,67,059 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कल यानी 31 जनवरी 2022 को 2,09,918 मामले सामने आए थे। पिछले 24 घंटे में 1,192 लोग की जान गई, जबकि 2,54,076 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। वहीं यदि दैनिक पॉजिटिविटी दर की बात की जाए तो 11.69% पर पहुंच गई है। गौरतलब है कि अब तक देश में 73.06 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 14,28,672 टेस्ट किए गए। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान सक्रिय मामलों की संख्या में 88,209 की कमी आई, जिससे सक्रिय मामलों का आंकड़ा घटकर 17,43,059 पर पहुंच गया। इस समय केरल में सबसे ज्यादा 3,58,381 मामले सक्रिय हैं, कर्नाटक में 2,44,361, महाराष्ट्र में 2,11,339, तमिलनाडु में 1,98,130, आंध्र प्रदेश में 1,10,517 और गुजरात में 83,793 मामले अभी भी सक्रिय हैं। वहीं एक अजीब जानकारी सामने आई है। दरअसल भारत में कोरोना की पहली मरीज केरल में पाई गई थी, जो वुहान से लौटी थी। आपको बता दें, इस वायरस का शिकार सबसे पहले भारत में 20 साल की लड़की हुई थी। 25 जनवरी 2020 को वो वुहान से छुट्टियां मनाने अपने घर पहुंची थी और वो तारीख 30 जनवरी 2020 थी जब इस संक्रमण उनमें पहली बार पाया गया था। साथ ही आपको बता दें कि वो चीन के वुहान में ही रहकर पढ़ाई करती थी, लेकिन कोविड के कारण वो 2 साल तक वापस नहीं लौट पाई। अब उनके पिता ने सरकार से अपील की है कि उनकी बेटी का अपना कोर्स पूरा करने के लिए उन्हें वापस वुहान जाने की इजाजत दे दें। ये तो थी पूरे दिन की ओमिक्रॉन और कोरोना अपडेट। ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहें एनसी न्यूज़। धन्यवाद।